खारिज बोलते क्या, दस ऑफन बोलते हैं होटल पर। उजाड़ होटल में खाने के वजह से मंदी की सजा मिली। मासूम बच्चे तड़प रहे, कई के लिए बनाते जी, साफ सुथरा नहीं बनाना है तो नहीं लगाना होटल, कई के वास्ते लगाना। हम हमारा पैसा देके हम खा के हम ना परेशान होना। कितने लोग आए? 12 जने हैं हमारे घर के, 15 जने गए हम लोग, दो एक छोटा बच्चा था, 2 जने रोटी खाए, 14-12 जने को यही प्रॉब्लम है। 3 जने प्रेग्नेंट है उसमें, उन्होंने यहाँ नहीं लिए, नहीं लिए प्रेग्नेंट है, तो पर ट्रीटमेंट नहीं करते बोलते हम ना बाहर का ला लेते। 3 साल का बच्चा है, 7 साल की बच्ची यही से, और एक 8 साल का बच्चा रो लेते बाहर गया, घर पे भेज दिया। लेडीज की इधर नहीं लेते, प्रेग्नेंट लेडी कितने हैं? 3 जने प्रेग्नेंट लेडीज, पूरी फैमिली है, प्राइवेट में ट्रीटमेंट करा रहे हूं, यहां पे नहीं देखते बोले तो। छोटा बच्चों में उनके शायद के उनके पूरे आपके कैसे मनेजर के दिन रात में3 साल का बच्चा है शेखर रेड्डी में बता रहा हूँ, तीन साल का बच्चा भी है, एक बच्चा वेंटिलेटर पे शेखर रेड्डी इधर गच्ची बोली मदीना गुड़ा हॉस्पिटल श्रीकर दोस्त वेंटिलेटर पे कौसा हॉस्पिटल श्री शेखर श्री करा बच्ची बोली मदीना बुरा वेंटिलेटर पे सीरियस है। तो कंप्लेंट दी आप लोग, ये फुटेज इंस्पेक्टर क्या बोले मामा की मत ले गए आते मीडिया वाले भी आ रहे अभी लिख के गए इस वाले को ना फुटिंग इंस्पेक्टर। अस्सलाम वालेकुम, मैं जो है जुमेरात के दिन रात में 11 बजे के टाइम पे, ये हमारे दोस्त साहब है एमएस मंदिर पे मंदिर खाने के वास्ते गया था, लेकिन मंदिर खाने के टाइम पे मैं उनको जबीज बोला कि भाई मंदिर में आपके मेरे को अलग ही टेस्ट आ रहा, बोलते उन्होंने बोले भाई कुछ भी नहीं है नॉर्मल है, बल्कि बोले हालांकि मैं मैनेजमेंट को भी बुलाया, वहाँ से मैनेजमेंट वाले भी आए और काउंटर पे से भी एक जने आए, आने के बाद में उनको बोला बोला भाई इतने दफ़ा आपके पास मंदिर खाया कभी भी ऐसा टेस्ट नहीं आया, अजीब टेस्ट दिख रहा बल्कि बोला उनको, तो उन्होंने बोले भाई बराबर है बल्कि बोले, फिर हम लोग को खाए नहीं गए अजीब दिखी, तो हम लोग क्या करें आधी खाए आधी पार्सल ले लेके बाहर दे दिए हम लोग। लेकिन जुम्मे के दिन दूसरे दिन से जो जुम्मा था तबीयत जो खराब हुई, वहाँ से जो सो पेट में दर्द चक्कर आना शुरू हुई, पूरा बॉडी पेन अभी तक भी जो सो मेरा हो जाए, अभी भी मैं जो सो ग्लूकोज चढ़ा के हॉस्पिटल से आ रहा हूँ कंप्लेन डालने के लिए आया, और मैं ये मेरे दोस्त है इनका भी हो जाए। स्माइल बोलिए आप जो हम दोनों एक साथ ही खाना खाने गए थे रात के टाइम पे, जो पूरा मोशन वगैरह बहुत खाना खाते वक्त ही बोल लिए थे उनको कि हमला भाई समझ नहीं आ रही मंदी बोले तो नहीं नहीं भाई बराबर ही बोल के उन्होंने चले गए, फिर हमला फिर हाफ थोड़ा खाने के बाद फिर बचा के चले गए, उसके बाद दूसरे दिन से बहुत ज़्यादा ही तबीयत खराब है अभी तक। आज जो सो तीसरा दिन है करीबन, तीसरे दिन से आज मेरी वही हालत है, अभी तक मैं कुछ भी खाना पानी कुछ भी नहीं खा, अभी भी मेरी गाड़ी में कोकोनट वाटर है, सिर्फ 3 दिन से वही पी रहा हूँ, कुछ भी नहीं खा सकता। हम दोनों यहाँ पे हम दोनों तो साथ में, अभी हमारे दूसरे दोस्त जाफर यहाँ में जो है 5 जने एडमिट है क्वारंटीन में जो है 41, ये हमारे दोस्त के भाई है, बेटा है मेरा, मेरे भी 4 जने हैं भाई, मेरे भी 3 जने जाफर हॉस्पिटल में हम कब से तलाश कर रहे हैं सुबह में, होटल वाले भी बोल रहे हैं क्या करते कर, और जो है होटल वालों को मैं कॉल कर रहा हूँ 5 बजे के टाइम पे कॉल कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहे हैं फिर क्या करते कर लो, होटल वालों को कॉल करा बच्चे 3 बजे बच्चे हमारे 3 बजे 3 बजे रात को खाते 3 बजे रात तक होटल खुली रहती है, हाँ खुली रहती खुली थी बोल के तो जाके खाए वो लोग, इलेक्शन है ये वो इलेक्शन है 11 बजे बंद होता बोला, मगर सुबह तक होटल खुली है कानून, अब बच्चे जाके भूख लग रही बोल के हम लोग दावत में चले गए, बच्चे कहाँ से आते, सिचुएशन कैसा है, सिचुएशन बहुत खराब है,
खाली पानी पिए ब्रेकफास्ट में होटल वाले बोले क्या करते क्या कुछ भी नहीं था कुछ भी नहीं था, कोई आके बात नहीं करे कुछ कम कुछ भी बात नहीं आए आ रहे भी नहीं वो लोग। कोसी होटल है, एमएस होटल है, किधर यहाँ पर है ये नाले के पास जबलपुर है नाके पर बस नहीं आ रहे वो लोग आ रहे नहीं तो बस खुली है 10 बजे तो जब कानून है 11 बजे बंद करने का मगर होटल तो रात में खुली है। बच्चे हम लोग दौड़ में गए थे बच्चे भूख लग रही बोले खाना यहाँ मिलता बोल के गए डॉक्टर क्या बोले डॉक्टर बोले बहुत सीरियस कंडीशन है चार दिन तक कुछ मत बोलो हाँ जाफरे हॉस्पिटल में कंप्लेन तो यहाँ मिर्च पी एस में तीन चार छोटे भाई आया एम एस मंडी में मेरे भी चार छोटे भाई एम एस मंडी में मंडी खाने के लिए गए। मेरा एक भाई मेहमान नासिक से आया था तो उसको खिलाएंगे बोल के अढ़े बजे रात को लेके गए तो उसको मंडी खिलाए नहीं बोले वो लोग बोले टेस्ट समझ में नहीं आ रहा बोले। फिर जुम्मे के दिन जो है नमाज से पहले भाई बोले पेट में जरा जरा वॉमिटिंग हो रही मोशन हो रही तो लोग के आता भरा खींच रहे तो और एक भाई को जाफरिया में एडमिट करे एक भाई को क्वारंटीन में एडमिट करे एक भाई जो है घर में पड़े हुए है। अब क्या करना साहब ये तीन बजे रात तक अढ़े बजे रात को खाए वो लोग मैंने अढ़े बजे रात तक तो पुलिस वाले अढ़े बजे रात तक क्या कर रहे हैं लोग खिला रहे हैं क्यों कुल्ली क्यों रखे कुल्ली रखे तो खाए हम लोग वही बोले रहे तो कुल्ली है तो खाए। अब यहाँ मिल चौक में आके हम लोग कंप्लेन दिए है अब जाके पुलिस वाले तो बोले हम एक्शन लेंगे फूड डिपार्टमेंट में है फूड डिपार्टमेंट में जाइए वो लोग के हाथ में अथॉरिटी हमारे हाथ में तो नहीं है बोल के बोले साहब एफ आई आर कर दी है उसका चार बजे से फोन कर रही मैनेजमेंट वाले भी चार बजे ओनर आ रहे आ रहे खाली आ रहा हूँ बोल के बोले तीन दिन से मेरा कोकोनट वाटर पी रखे तीन दिन से मेरा ये हाल है हॉस्पिटल से आ रहा हूँ अभी भी ग्लूकोज चढ़ा के आ रहा हूँ मैं सिर्फ कंप्लेन डालने के वास्ते मैं इधर आया हूँ मैं सिर्फ कंप्लेन डालने के वास्ते इधर आया हूँ तीन दिन से मेरी ऐसी हालत है हमारे दोस्त जो है अभी भी इनका भी वही हाल है और क्वारंटीन में 41 लोग हैं कुछ है उसमें से मेरे 8-10 दोस्त हैं भाई सबका वही हाल है और जितने जने थर्सडे के दिन था जी ये मैं कंप्लेन कराता हूँ और हॉस्पिटल से भी उनको कोई एमएस मंदी वालों को कॉन्टेक्ट नंबर निकाल के कॉल करे उनको बोले भी तो उन्होंने यही बोले कि भाई आ रहे हैं बोल के बोले और दो तीन कॉल करे तो उन्हें बोले क्या करते कर लो कंप्लेन डालते डाल लो बोल के ये भी बात बोले उन्होंने